हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज सर्वेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एरेज। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एरे, कि एरे क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ एरेज, एरे में एरे के कितने टाइप्स हैं, देन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरे विद देयर एग्जांपल, एंड सभी टाइप ऑफ एरे को हम समझने वाले हैं विद देयर एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं कि एरे क्या होता है। एंड एरे इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल। अब एरे क्या होता है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा को स्टोर करने का तरीका, दैट अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर करा सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर करा सकते हैं अंडर अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में। अब इसका क्यों यूज़ किया, इट सेव्स द एफर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल ऑफ एवरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 5 डेटा स्टोर कराना होता तो उसके लिए हम क्या करते, 5 अलग अलग वेरिएबल लेते। तो हमने क्या किया कि एरे बना दिया और एरे के अंदर उन 5 डेटा को हम स्टोर करा दिया। एंड एरे वैल्यूज कैन बी एक्सेस ड्यूरिंग यूजिंग देयर इंडेक्स और की। जो भी वैल्यू है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू एरे के अंदर एक्सेस करनी है, तो हम उसके इंडेक्स नंबर से या उसकी की से हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड एरे इन पी एच पी क्रिएटेड बाय एरे फंक्शन। अब जो एरे को हम क्रिएट करते हैं, वो एरे फंक्शन की हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले ली मैंने कलर्स, इसमें मैं असाइन कर दूंगा और लिखूंगा एरे, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पास कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पास कर दी स्ट्रिंग में रेड ब्लू ग्रीन, यहाँ पे तीनों वैल्यू स्ट्रिंग है, हम अलग अलग वैल्यूज भी हम पास कर सकते हैं। और अगर मेरे को कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एरे का नाम लिखूंगा, देन इसके बाद उसका इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे अब जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं क्या इंडेक्स नंबर 1 एक्सेस कर रहा हूँ, तो 1 पे क्या है, ब्लू। तो इस तरह इसका आउटपुट आ जाएगा ब्लू, ठीक है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरे इन पीएचपी। सबसे पहला टाइप है इंडेक्स एरेज। इंडेक्स एरे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरे इन पीएचपी। पीएचपी में अगर हम एरे क्रिएट करना, तो सबसे सिंपलेस्ट वे है और कॉमन तरीका है इंडेक्स एरेज। दे यूज न्यूमरिक कीज टू एक्सेस एंड स्टोर वैल्यूज वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इंडेक्स एरे हैज अ की 0। और इंडेक्स एरे में अगर कोई मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसकी इंडेक्स नंबर से, उस एरे के इंडेक्स नंबर से मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। एंड जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब एक वेरिएबल है फ्रूट्स, इसमें मैंने एरे असाइन करा दिया एरे, एंड इसमें मैंने 1 by 1 सभी वैल्यूज को पास कर दिया। मैं अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो एरे के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, एरे का नाम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर मैं क्या उसका इंडेक्स नंबर पास कर दूंगा। मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स पे मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तो 0 इंडेक्स पे क्या है मेरा, एप्पल। और अगर मुझे सभी वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लूप्स की हेल्प से मैं सभी वैल्यूज को प्रिंट करा सकता हूँ। इसको मैं प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरेज आर अ टाइप ऑफ एरे इन पीएचपी दैट यूज नेम कीज इंस्टेड ऑफ न्यूमरिक इंडेक्सेस टू एक्सेस एंड स्टोर वैल्यूज। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि इसमें न्यूमरिक इंडेक्स की जगह कीज होती हैं हर एक एलिमेंट के लिए। और अगर मुझे कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू एक्सेस करनी है एसोसिएटिव एरे में, तो मैं उसकी की हेल्प से मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। ईच की इज एसोसिएटेड विद इट्स वैल्यू। हर एक की की एक अपनी एक वैल्यू होती है, विच कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, चाहे वो किसी टाइप की भी हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, फ्लोट, एनी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है डॉलर पर्सन, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एरे क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले की पास कर रहा हूँ और उस की वैल्यू है, मैंने उसे नाम पास कर दिया। देन नेक्स्ट एलिमेंट, मैंने उसकी एक की पास करी एज, एंड इसमें मैंने असाइन कर दी एज। और अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, इसमें मैंने नेम इज एंड कॉन्कैटिनेट कर लिया, यहाँ पे मैंने एरे का नाम पास कर दिया डॉलर पर्सन, एंड स्क्वायर ब्रेसिस में मैंने क्या कर दिया, इस की का नाम पास कर दिया। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा नेम इज, और डॉलर पर्सन नेम से क्या आ रहा है, रोहित। तो आउटपुट आ जाएगा नेम इज रोहित। इस तरह मैं एज को प्रिंट कर सकता हूँ, एरे का नाम एंड एज की पास कर दी मैंने, तो इसलिए आउटपुट आ जाएगा एज इज 23। सो नेक्स्ट टाइप है मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे इज एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज एज एलिमेंट्स। मल्टी डायमेंशन एरे में क्या होता है कि एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज हम स्टोर कराते हैं, एंड दे आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सच एज टेबल्स और मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें डेटा स्टोर करना होता है टेबल्स की फॉर्म में या मैट्रिक्स में, जिसमें होता है रोज एंड कॉलम्स होती है, उस तरह के डेटा स्टोर कराने के लिए हम मल्टी डायमेंशन एरे का यूज करते हैं। एंड अलाउ अस टू एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग मल्टीपल कीज। एंड मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कीज की हेल्प से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मैंने एरे लिया है डॉलर एम्प्लॉयज, वेरिएबल लिया है, इसमें मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ एरे, एंड इसके अंदर मैं
मल्टीपल एरेज क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ये एक एरे हो गया और इस एरे के अंदर मल्टीपल एरेज, तीन एरे हैं इसमें, और इस अब जो भी इंडेक्सिंग होती है वो जीरो जीरो इंडेक्स होती है, तो ये हो गया जीरो इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे। अब इस इंडेक्स ये एक एरे है, इस इंडेक्स पे ये एक एरे है पर्टिकुलर, और जिसके अंदर मैंने अलग अलग वैल्यूज है, नेम, एज, डिजिग्नेशन, है ना। तो इस तरह से, तो अगर मैं क्या करूँगा इसमें, अगर कोई वैल्यू एक्सेस करूँगा मल्टी डायमेंशन एरे की, तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जॉन का नाम एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा एम्प्लॉयज मतलब एरे का नाम लिया मैंने डॉलर एम्प्लॉय, फिर उसके बाद जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स मतलब पहला जो इंडेक्स होता है वो जीरो, और उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि नाम प्रिंट कर दे, तो पहला जो एरे है उसमें नाम है वो है जॉन, तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा नेम इज़ जॉन, ठीक है। इस तरह एज भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, और डिजिग्नेशन यहाँ मैंने की पास कर दी डिजिग्नेशन। और सेम अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है एक साथ, तो मैं लूप की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो आइए अब इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं सभी एरेज को। सो गाइस मेरे एडिटर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी एरेज डॉट पी एच पी के नाम से। सो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स एरेज की। तो मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ फ्रूट के नाम से, और इसमें मैं असाइन करूँगा एरे फंक्शन, और इसके बाद मैं इसमें वैल्यूज डाल दूँगा अलग अलग, फ्रूट्स के नेम मैंगो, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है। और अब क्या करना है, अगर किसी, अगर मुझे क्या करना है कि अगर कोई वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा एरे का नेम यूज़ करूँगा पहले, एरे का नेम क्या है फ्रूट्स, देन इसके बाद उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर जैसे मुझे मैंगो प्रिंट कराना है, तो इसका इंडेक्स नंबर है वन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा वन पास कर दूँगा और सेमी कोलन, ठीक है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कॉपी पास करता हूँ, और ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और एच टी डॉक्स से पाथ हटा के मैं लिख दूँगा लोकल होस्ट, और अपाची सर्वर आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ रहा है मैंगो, मैंगो है क्योंकि वन इंडेक्स पे क्या है मैंगो। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा इंडेक्स लूँगा जैसे टू इंडेक्स पे, तो टू इंडेक्स पे क्या है बनाना, ठीक है। तो इस तरह आप एरे की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। पर क्या होगा अगर मुझे सारी सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा लूप का यूज़ करूँगा। तो मैं अभी यूज़ करता हूँ फॉर लूप, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक काउंटर वेरिएबल के लिए ले लूँगा आई, डॉलर आई वेरिएबल, और इसमें मैं ज़ीरो असाइन कर दूँगा, और इसके बाद हम इसमें क्या करूँगा कंडीशन, तो कंडीशन की आई की वैल्यू कहाँ तक चले लेस देन हो जैसे एरे की जितनी टोटल वैल्यूज़ हैं, तो एरे की वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर कर लूँगा काउंट वेरिएबल, और उसमें मैं पास कर दूँगा फ्रूट्स। मैंने लेस देन इसलिए लिया है कि एरे में कितनी वैल्यू है, वन टू थ्री फोर फोर, बट जो काउंट हो रही है वो कहाँ से ज़ीरो से काउंट होगी, और जो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो टोटल तो ये चेक करेगा कि ज़ीरो पे क्या है एप्पल, वन पे मैंगो, टू पे बनाना एंड थ्री पे, तो थ्री इज़ लेस देन फोर, जो कि कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो और इसके बाद मैं इसमें इंक्रीमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद इसमें मैं अंदर आता, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे इको और एरे एरे की वैल्यू, तो एरे का नाम क्या है फ्रूट्स, और इसके बाद मैं इसमें पास कर दूँगा इंडेक्स के लिए आई, डॉलर आई, क्योंकि डॉलर आई में हम सारी इंडेक्स वैल्यूज आएगी पहले, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, और जाऊँगा ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो प्रिंट हो रहा है एप्पल मैंगो बनाना ग्रेप्स, पर ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉन्कैटिनेट करता हूँ बी आर टैग, ठीक है। अब ये अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आप इंडेक्स एरे की डिस्प्ले कर सकते हो फॉर लूप के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एरे की, जिसका नाम है एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि एरे के अंदर कीज होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ डॉलर पर्सन के नाम से, और इसमें मैं एरे क्रिएट करूँगा, और इसमें इंडेक्स नंबर की जगह क्या होती है कीज़। तो मैं जैसे एक की लेता हूँ नेम के नाम से, और इसकी वैल्यू डाल दूँगा जैसे राहुल, ठीक है। नेक्स्ट की ले लूँगा एज के नाम से, और इसमें मैं डाल दूँगा एज, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा इसको एक्सेस करूँगा, अगर मेरे को पर्टिकुलर नेम एक्सेस करना है, तो मैं एरे का नाम पास करूँगा और स्क्वायर बेसिस के अंदर वो की पास कर दूँगा, की का नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बार
इको बी आर लगा देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ तो मुझे प्रिंट कर रहा है राहुल, क्योंकि राहुल भी मैंने क्या किया कि नेम प्रिंट किया है। अगर मैं एज प्रिंट करूँ तो ये मुझे एज ऐसे प्रिंट कर देगा, बट अगर मुझे क्या करना है कि सारी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 वैल्यू हूँ तो 10 के 10 प्रिंट करनी हो, तो मेरे को क्या करना, एक एक करके प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा सबसे फॉर लूप, और इसमें मैं काउंट के लिए वही $i वेरिएबल लूँगा और 0 से काउंट करूँगा, 0 से काउंट करे और कहाँ तक i की वैल्यू लेस देन हो, काउंट डॉलर पर्सन की वैल्यू से, कितनी वैल्यू है इसमें एरे में, दो दो हैं, 1 2, तो 2 से लेस देन, i की वैल्यू 0 से लेस देन, i की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 2 से, तो और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 पे 0 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, तो इस तरह हम दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। और इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेमी कॉलन के बाद इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्या करनी है, अब इस वाले जो एसोसिएटिव एरे में क्या है, कीज, पहले इंडेक्स एरे में तो क्या था कि इंडेक्स इंडेक्स नंबर थे 0 1 2 3, तो वो हमने काउंट वेरिएबल से ले लिए, बट अभी हम एसोसिएटिव एरे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कीज़ निकालनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कीज़ नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, कीज़ फैच करूँगा इस एरे की। तो एक फंक्शन है एरे अंडरस्कोर कीज़ करके PHP में, ये करता है कि एसोसिएटिव एरे की जितनी भी कीज़ होती हैं उनको फैच कर लेता है। तो मैं यहाँ पे इसमें मैं एरे पास कर दूंगा। मैं अगर आपको इसमें इसको डीबग करके दिखाऊं, वेयर डंप, और इसमें मैं कीज डॉलर कीज पास करूं, सेव करता हूं एक बार, तो देखो मुझे प्रिंट करा है एरे है 2 2 साइज का एरे है, 0 इंडेक्स पे क्या है जिसकी साइज है 4, स्ट्रिंग है टाइप का है और नेम, और 1 इंडेक्स पे क्या है एज, ठीक है। तो ये मैं कीज कीज निकल के आ गई इस एरे की, ठीक है, नेम और एज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे प्रिंट करेंगे हम इसमें इको, पहले मैं पास करूँगा एरे का नेम एरे। अब एसोसिएटिव एरे में करते हैं हम कि अगर वैल्यू को प्रिंट करनी तो हम की का नाम पास करते हैं, और कीज़ कहाँ है हमारे पास, इस वेरिएबल में है कीज़, बट इसमें क्या है कि सारी कीज़ हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स कहाँ इसमें है, मेरे पास आई डॉलर आई वेरिएबल में, मैं डॉलर आई वैल्यू वेरिएबल पास कर दूंगा इसमें। इससे क्या होगा कि पर्सन में चेक करेगा एरे, इसमें हम कीज़ मैंने पास कर दी कि सारी कीज़ आ जाए, और पहले प्रिंट करेगा 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी, तो पहले इसका नेम प्रिंट हो जाएगा, देन कंडीशन ट्रू होगी, इंक्रीमेंट होगा, देन आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन कीज के अंदर जाके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है एज है, तो एज प्रिंट कर देगा। तो इस तरह ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, ठीक है, सेव करता हूँ, तो मुझे देखो प्रिंट कर रहा है राहुल और 25। इस तरह हम एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइज, अब हम एरे के थर्ड टाइप की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है कि ऐसा एरे जिसके अंदर मल्टीपल एरेज होते हैं, और इसका यूज़ होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा डेटा स्टोर करना है कि टेबल फॉर्मेट में हो, मैट्रिक्स की फॉर्म में जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो उस तरह के डेटा के लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। और तो एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हम एम्प्लॉयज़ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने देखा था, और इसको मैं क्या करता हूँ एरे क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेमी कोलन, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का डेटा क्रिएट करूँगा पहले मल्टीपल एरेज के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम क्या है राहुल, ठीक है, एक होगी एज, एम्प्लॉय की एज 34, ठीक है, और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ठीक है, ये हो गया मैनेजर, ठीक है। इस तरह से ये एक एम्प्लॉय का हो गया, ऐसे 2 3 एम्प्लॉय का हम कर सकते हैं, और हर एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अलग होगी, जैसे ये रोहित है, ये सुनील है, ठीक है, और ये 28 का है, 27 का, ठीक है, और ये जैसे कि डिज़ाइनर है, ये डेवलपर है, डेवलपर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉयज़ के डेटा को, अब जैसे क्या होगा कि ये एक
एरे हो गया, और जिसमें एक रो हो गई 0 1 2, ये मतलब एरे रो हो गई, और ये हो गई कॉलम्स। तो फर्स्ट रो पे ये तीन तीन वैल्यूज हमें डिस्प्ले कराने हैं, तीन कॉलम हो गए, सेकंड रो पे ये, तो इस तरह से ये टेबल फॉर्मेट में हो गया। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो मैं लूप चलाऊंगा, फॉर लूप। सबसे पहले काउंटर वेरिएबल लूँगा रो के लिए, ठीक है, ताकि हम तीनों एरेज को, तीनों रोज को ट्रैवर्स कर पाएँ। और तो उसके लिए ये आई, ये चलेगा आई से लेकर जीरो से, जीरो से कहाँ तक, लेस देन पूरी एरे की साइज़। तो डॉलर आई इज लेस देन एरे की साइज़, एरे की साइज़ के लिए मैं लूँ काउंट और एम्प्लॉय उसका नाम एरे का एम्प्लॉयज, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये इससे क्या होगा कि तीनों रो पे, तीनों रोज ट्रैवर्स हो जाएंगी, बट मुझे क्या करना है कि अब एक पर्टिकुलर रो पे तीन तीनों वैल्यूज़, तीनों जो हैं कीज़ पे ट्रैवर्स करना है। तो मैं क्या करूँगा कि हर एक रो की, पहले तो मैं कीज़ निकालूंगा हर एक रो की, ठीक है। तो मैं कीज़ नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, और मुझे कीज़ निकालनी है हर एक इंडेक्स की। तो मैं क्या करूँगा, एरे कीज़ नाम से फंक्शन होता है पीएचपी में, जो कि कीज़ को फैच कर लेता है, एसोसिएटिव एरे की कीज़ को फैच कर लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा एम्प्लॉई, एरे का नाम क्या है एम्प्लॉई, और मुझे कहाँ की कीज़ निकालनी, इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स की या हर इंडेक्स की। तो जो इंडेक्स है वो है इस डॉलर आई वेरिएबल में, ठीक है, और इसको सेमीकोलन। मैं अगर इसको मैं वेर डंप करके दिखाऊं के ई वाई एस कीज सेव कराऊँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ई को बी आर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज, अब मैं इसको ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे क्या कर रहा है कि एक एरे बन, जैसे ये एरे हो गया एक तीन साइज़ का, ये एक एरे हो गया तीन साइज़ का यहाँ तक, और एक एरे हो गया, तो तीनों एरे को, और हर एक एरे में क्या है कि इंडेक्स नंबर, तो जीरो इंडेक्स पे ये नेम है, नेम नाम से की है, ठीक है, ये साइज़ चार चार साइज इसकी, ठीक है, वन इंडेक्स पे एज है, ठीक है, टू इंडेक्स पे डेजिग्नेशन है। तो इस तरह ये तीनों एरे हमें डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब इन कीज़ को, कीज़ आ गई हमारे कीज़ वेरिएबल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक जो एक एरे है, ये रो है, और इस रो पे हमें तीनों कॉलम, ये तीन कॉलम हो गए राहुल, ठीक है, तो इन तीनों कॉलम को डिस्प्ले कराना। तब कॉलम को के लिए हम क्या एक और लूप चलाएंगे और उन तीनों कॉलम को प्रिंट कराएंगे। तो कॉलम के लिए मैं ले लेता हूँ डॉलर जे नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और ये भी डॉलर जे इज जीरो, डॉलर जे इज लेस देन इस पूरे, कहाँ तक लेस देन, इस पूरे टोटल एरे की जो साइज़ होगी। तो साइज निकालने के लिए मैं काउंट करूँगा और काउंट फंक्शन, और इसके अंदर मैं पास करूँगा ये पूरा इंडेक्स। तो एम्प्लॉयज़ पहले आएगा एरे का नेम डॉलर एम्प्लॉयज़, और फिर उसके बाद डॉलर आई, ठीक है, और इसके बाद होगा जे प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे ये पर्टिकुलर हर एक की। तो हर एक की के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नाम पास कर देंगे एम्प्लॉय एरे का नेम, और इसके बाद अब इस एम्प्लॉय में कितने एरे हैं टोटल तीन, तो हर एक रो को पे, हर एक रो को ट्रैवर्स करने के लिए डॉलर आई, ठीक है। अब अगर फर्स्ट एरे पे आएगा तो उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि इसमें कीज़ हैं, तो कीज़ हमारे पास कहाँ है इस कीज़ वेरिएबल में, तो मैं क्या कर दूँगा ये कीज़ पास कर दूँगा, और इस कीज़ में क्या है हमारे पास सारी कीज़ हैं, तो हर एक की, हर एक कॉलम की के लिए हमारे पास वेरिएबल है डॉलर जे, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, मैं वापस समझा देता हूँ कि अभी हम क्या करेंगे, जैसे हर एक की को डिस्प्ले करेंगे, तो हर एक की कॉलम को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास, हमने क्या किया, लूप चलाया जे का, जे इज़ जीरो, जीरो इंडेक्स से, और जे कहाँ तक चलेगा, इस पूरे एक पर्टिकुलर एरे की टोटल वैल्यूज तक, ठीक है। तो हमने उसको काउंट कर लिया हर एक एरे की वैल्यू को, और जीरो से स्टार्ट किया इसलिए हमने लेस देन लगाया, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक है। और हम प्रिंट कराएंगे इसके अंदर, तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करें कि सबसे पहले जैसे हमें फर्स्ट की है नेम, ठीक है, फर्स्ट एरे की फर्स्ट की है नेम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम पास किया एरे का नेम, देन इसके बाद जो रो है रो को डिनोट करता है डॉलर आई, उसके बाद हम रो के बाद क्या है कीज़, तो कीज़ हमारे क्या है डॉलर कीज़ वेरिएबल में है, और कीज़ के अंदर हम अगर पर्टिकुलर हर एक कॉलम की को डिनोट करेंगे डॉलर जे से, ठीक है। तो इस तरह ये सभी प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ इसको और वापस ब्राउज़र पर जाता हूँ,
तो देखो मुझे प्रिंट कर रहा है ये राहुल 34 मैनेजर है ना, रोहित 24 डिज़ाइनर, सुनील 24। अब ये क्या हो गया, एक लाइन में ही आ रहा है ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा इको, और यहाँ पे मैं एस टेबल टैग लिखाऊंगा टेबल ठीक है। और PHP जो होती है वो एस टेबल टैग्स को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि मैंने पढ़ा था। और यहाँ पे मैं एंड टेबल ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक टेबल रो ले लूँगा। तो टेबल रो के लिए क्या है, TR ठीक है, और एंड TR, ये एंड TR यहाँ आ जाएगा इस ठीक है, हर एक कॉलम के बाद, पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा मतलब पूरी रो ठीक है। और अब कॉलम के डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम लेंगे TD ठीक है, TD टैग, TD स्टार्ट, और यहाँ पे कॉलम प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद TD क्लोज ठीक है, एंड TD ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, और अगेन इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो मुझे प्रिंट कर रहा है, टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेबल में मैं बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर प्रॉपर्टी ठीक है, 1px, सेव करता हूँ। तो ये देखो मुझे बॉर्डर आ गया, टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करा इस तरह। ये एक पहली रो हो गई, दूसरी रो, तीसरी रो, राहुल की, ये रोहित की, सुनील की, जैसे कि मैंने एरे में था, ये राहुल का एम्प्लॉय का डेटा हो गया। तो इस तरह हम इस तरह के डेटा को हम मल्टी डायमेंशनल एरे में हम प्रिंट कराते हैं, और इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं लूप्स के थ्रू। सो गाइज दैट इज फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये एरेज का टॉपिक समझ में आया होगा, आपको तीनों एरेज समझ में आए होंगे अच्छी तरह। सो थैंक यू सो मच गाइज, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज।